आसान कौन चुका है, कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम आपके लिए फिर से जेएलपीटी एंड ग्रामर रिवीजन सीरीज की वीडियो नंबर 15 लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको 141 से लेकर के 150 ग्रामर पैटर्न के बीच रिवाइज कराने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। में नाम रोहित, आप देख रहे हैं रिनोंगो देवा हाजी में माशो। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा आज के इस वीडियो का फर्स्ट ग्रामर पैटर्न है वो है बकारी नी। यहाँ पर एक यूज हमने इसका लास्ट वीडियो में सीख लिया था। दूसरा यूज यहाँ पे है कि जहाँ पर इसका मीनिंग होगा ऑन अकाउंट ऑफ नो दे या गे गा गेन इन दे, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये एक रीज़न को शो करेगा आपके, क्योंकि बिकॉज वाला मीनिंग देगा। तो देखो सेंटेंस क्या है यहाँ पर, तो समझ आओगे कि दाएगा को ओ सत्योस्ते नाई बकारी नी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी इसलिए। गाय को कुदे हतरा की ताकुते मो वीज़ा का तोड़े नहीं, मतलब मैं फॉरेन कंट्रीज़ में बेशक काम करने के लिए जाना चाहूँ, मेरे को वीज़ा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो नहीं करी। सत्यो दाएगा को सत्यो शीते ही नहीं बकारी नहीं, मतलब यहाँ पर ये रीज़न को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है वा तोमोकाकू, तोश्ते भी लगा देते हैं या नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में है। जहाँ पर मीनिंग होगा इसका रिगार्डलेस की परवाह किए बिना, ठीक है ना, वा तोमोकाकू। तो सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कोनो मिसेनो शिनामोनोवा, इस शॉप की जो गुड्स हैं वो चित्सुवा तोमोकाकू, मतलब क्वालिटी की परवाह किए बिना ये लोग शुरुई वा ओई, शुरुई मतलब होता है कि टाइप्स की बहुत तरह तरह वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनके पास, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब क्वालिटी की परवाह नहीं करते, वैरायटी ज़्यादा देते हैं, ठीक है, ये मीनिंग होगा। तो रिगार्डलेस की परवाह किए बिना वाला मीनिंग देगा वा तोमोकाकू वाला जो ग्रामर पैटर्न। ओके, नेक्स्ट जो है वहाँ वो है वा बेत्सुतोश्ते, मतलब एक्सपेक्ट फॉर को छोड़कर, यहाँ पर आप किस चीज़ को छोड़कर, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं इस चीज़ को छोड़कर, ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे वा बेत्सुतोश्ते। तो होकानो कामोकू वा बेत्सुतोश्ते, मतलब अदर सब्जेक्ट को छोड़कर सुगाकू वा तोतेमो तो कुईदा, मतलब जो मैथमेटिक्स है उसमें मैं बहुत ज़्यादा तो कोई मतलब गुड अच्छा हूँ मैं उसमें, ठीक है ना। तो वा बेत्सुतोश्ते मतलब एक्सेप्ट फॉर मतलब छोड़कर। ओके, नेक्स्ट है बाहोदो दामोर दामोर, कि जितना ज़्यादा आप कुछ करोगे उतना ज़्यादा कोनो होन ओ योमे बा योम होदो ओमोशिरो कुनारो, कि ये बुक जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है ना। तो बाहोदो ये एंथ्री में भी आता है, बाकी यहाँ पे जो है आपको नॉर्मली वर्ब की बा फॉर्म बना करके और नॉर्मली प्लेन फॉर्म के साथ होदो लगा देना है, जो कि यहाँ पर वर्ब के साथ ही नहीं कर सकते आप, इसको एडजेक्टिव नाउन किसी के साथ भी आप करिए, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न है वह वा मोचिरोन या फिर वा मोतोयोरी, ठीक है, जिसका मतलब होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। कि तो सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, क्या साइकिन वा निहोन देवा दैगाक से वा मोचिरोन, कि रिसेंटली जापान में दैगाक से मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि शोगाक से मतलब एलिमेंट्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स भी पासकोन ओ सुखा योनी नाता, कि वो पासकोन यूज़ करने लगे हैं, कि मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही नहीं करते यूज़, जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो भी पासकोन का यूज़ करने लगे हैं। ओके, तो मीनिंग आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ओके, अब यहाँ पर गाइस जो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न है वो है हानमेन, जिसका मीनिंग होगा ऑन द अदर हैंड। सेंटेंस देखो तो समझोगे कि ये नी चिका कुनी देशा नो एक ही गा अरु तो बेंद्री ना हानमेन, कि घर के पास देशा नो एक ही, मतलब जो ट्रेन का स्टेशन है वो हो तो बेंद्री ना हानमेन, मतलब कन्वीनियंट होगा वहीं दूसरी तरफ। सो ओनी नया मा सारेरु कोतोमो अरु, ठीक है, मतलब कि सो ओन मतलब होता है नॉइस जो होती है, तो नॉइस से भी आपको मतलब प्रॉब्लम होगी, वो आपको प्रॉब्लम करेगी। नया सा मा से रुको तो नया मा सारेरु कोतोमो अरु, मतलब वो आपको, यहाँ पे जो पॉजिटिव फॉर्म होती है ये उसका थर्ड यूज़ है, जिसमें आप फीलिंग वर्ड यूज़ करते हो कि वो आपको जो है ट्रबल में लाएगी, आपको परेशान करेगी, क्या वॉइस। तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड वाला मीनिंग देगा ये कि एक घर के पास स्टेशन हो देंसा का तो कन्वीनियंट होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन भी करेगा या फिर आपको नॉइस, उसकी जो नॉइस होगी वो आपको परेशान करेगी। ओके, अब जो नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न है वो हमारा बेकी बेकिदा बेकी देवानाई, जिसका मीनिंग होगा शुड और शुड नॉट। तो बेकी और बेकिदा का मतलब शुड और बेकी देवानाई का मतलब शुड नॉट। तो देखो क्या है कि आनो तो की वा आना वागा मामा नो को तो ओ यू बेकी देवाना कत्ता, कि आनो तो की वा आनो तो की मो, ठीक है ना, कि तो सेंटेंस देखते क्या है कि आनो तो किमो आना वगमा वाना को तो ओ यू बेकी देवाना कत्ता, मतलब उस समय भी आपको, उस समय आपको इस अन्ना वगमामाना को तो, मतलब उस तरह की वगमामाना मतलब सेल्फिश जो चीज़ें होती है, तो वगमामाना को तो यू बेकी देवाना कत्ता, कि आपको वगमामाना को तो कोई बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सेल्फिशनेस सेल्फ
डिफेंस में मतलब अपनी सेल्फिशनेस वाली चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो उस समय भी ऐसा मीनिंग दे रहे थे ना। तो बेकी बेकी दवा आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ना सामने वाले को वॉर्न करते हो, थोड़ा सा उसको समझाते हो कुछ चीज़ों के। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रामर पैटर्न है वह हमारा होका वनाई या योरी होका वनाई, जिसका मतलब होगा टू हैव नो चॉइस, की मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। काफ़ी पैटर्न होते हैं यहाँ पर एंड टू लेयर पर जिसका मीनिंग टू हैव नो चॉइस वाला आता है। तो हैव नो चॉइस वाला आता है तो आपको ये लिस्ट बनानी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो सेंटेंस क्या है कि शू देन द नागुनाथ नानोदय, कि लास्ट ट्रेन नहीं थी क्योंकि टैक्सी दे कायरू योरी होका नाई, मतलब टैक्सी के अलावा लौटने के मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि शुदेन मतलब लास्ट ट्रेन जो थी वो चली गई थी, वो नहीं थी, लास्ट ट्रेन जा चुकी थी वो नहीं थी, इसलिए मेरे पास टैक्सी से जाने के अलावा घर लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं था, आई हैव नो चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ग्रामर पैटर्न है वह होदो होदोदा या फिर होदोनो, मीनिंग क्या होगा कि ऑलमोस्ट नियरली सच एज दैट, कि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि कोनो रोरी वा तोतेमो कराकुते, कि ये जो ब्योरी है क्विजिन है ये बहुत स्पाइसी है, और करादा जू कारा आसेगा देरू होतोदा, कि आपकी बॉडी में से आसे, कि आपकी बॉडी में से आसे मतलब जो पसीना होता है स्वेट, तो पसीना निकल गया था मतलब देरू होतोदा था, कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी ऑलमोस्ट कि मेरा पसीना मतलब निकलने वाला था या फिर मेरा पसीना लगभग निकल ही गया था, कि ये क्विजिन जो थी इतनी स्पाइसी थी कि मेरी बॉडी के अंदर से पसीना निकल गया। ओके, तो निकल गया और देरू हो तो दाता, देरू हो तो दा मतलब निकलने वाली सिचुएशन हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड यूज है होदो का, होदो होदो दा होदो नो, तो यहाँ पे है द मोर गायको कुगो वा बेंक्यो सुरु होदो, कि फॉरेन लैंग्वेज जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा मुजुकाशी नारू तो योकु इवारेरो, कि ऐसा कहा जाता है कि फॉरेन लैंग्वेज जितना पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा वो मतलब डिफ़िकल्ट होती जाती है ना। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे या फिर जितना आप अपने फॉरेन लैंग्वेज पढ़ोगे उतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होती जाएगी, तो ऐसा होता है क्योंकि लेवल बढ़ता चला जाता है तो उस चक्कर में फिर वो डिफ़िकल्ट लगने लगती है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा 150 ग्राम पैटर्न है माई माई का, तो नाइस मोरी दा, जैसा हम बोलते हैं ना कि मेरा इंटेंट नहीं है किस काम को करने का इंटेंशन नहीं है, तो वैसा ही यहाँ पर इसका मीनिंग होता है माई और माई का, कि आना तो कोरो वा नी दो तो इकुमाई, कि मैं उस जगह जाने का मेरा दूसरी मतलब दूसरी बार मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, मेरा कोई इरादा नहीं है वहाँ जाने का दूसरी बार। ओके ना, आना तो करोवा नी दो तो इकु माई, मतलब उस जगह मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है माई का, और माई का जो दूसरा इसका यूज़ है नाइदारो, कि ऐसा नहीं होगा, मे बी वाला तो नहीं, लेकिन बस वो दारो जैसा पॉसिबिलिटी को शो करेगा। यहाँ पे सेंटेंस कम नहीं देखते क्या है कि कोनो के निस्वीते इस मैटर के बारे में, और क्या कुछ सामा तो शुरू ही सुदान शुरू, कि ओके आपके सामा के साथ सुदान शुरू मतलब डिस्कस करना जरूरी नहीं होगा, कि नाइदारो शायद ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो हिस्ट्री होगा अरु नो देवा अरु माइका, ठीक है, कि मतलब उनके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई ज़रूरी नहीं है उनके साथ डिस्कस करने करना, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया इसके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।